अपने झूठ के नशे में इतनी डूबी हुई हो ना आलिया कि ये पानी तो क्या, मैं समंदर का पूरा पानी भी तुम पे उड़ेल दूं ना, तब भी तुम्हें होश नहीं आएगा। अस्मा, और रहा कबीर से सवाल पूछने का, तो मैं उससे पूछ लेती अगर वो जवाब दे पाता तो। क्या मतलब? मतलब कबीर मर चुका है, किसी ने मर्डर कर दिया उसका। क्या कबीर मर गया? कैसे अरमान, कैसे 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 हुआ ये सब अरमान? तुमने मारा होगा उसे, क्योंकि वो तुम्हें परेशान कर रहा था, तो तुम मार सकती हो। कौन हो तुम लोग? को करेगा जॉर्डन ब्लैकमेल, आलिया का प्लान हुआ कामयाब। भाई हमने देखा उदारिया के एपिसोड में किस तरीके से जो आलिया है वो प्लानिंग करती जा रही है, अब तो उसने कबीर को भी मरवा दिया है, कबीर का मर्डर हो गया है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था किस तरीके से आसमा को किडनैप करा लेती है, अरमान को भी फंसा लेती है, और जंगल में भी हम देख रहे होते हैं वो उसकी बाहों में होती है अरमान की, और यहाँ पर आसमा को गलतफहमी हो जाती है, और फिर जो आसमा है ना वो उसको बुलाती है मंदिर में और उस पर शर्त रखती है कि भाई ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं कनाडा वापस चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना तुम ये बताओ मेरे को कि तुम्हारा और अरमान का सच में अफेयर है, मुझे प्रूफ चाहिए उसके बारे में, और जो 15 लाख रुपए वो भी अरमान ने तुम्हारे अकाउंट में जमा किए उसका भी मुझे प्रूफ चाहिए। जिसके बाद आलिया बोलती है कि ठीक है मैं कर लूंगी, और उसको अचानक से ना कबीर का ध्यान आता है और वो फिर कबीर को यूज करती है, और यहां पर हम देख रहे हैं जो आसमा है वो कबीर की आई है, उसको पता लग गया, हरलीन ने बता दिया है कि भाई कबीर का क्या सच है, और जिसके बाद ना आसमा से रुका नहीं जाता, वो उसके घर आती है और फिर देखती है कि भाई कबीर का तो मर्डर हो गया है, और अरमान और आसमा के होश हो जाते हैं वो, और अरमान और आसमा के तो होश उड़ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, और यहां पर आसमा को लग रहा है कि पुलिस को बता देते हैं, तो अरमान बोलता है नहीं पुलिस हमें विश्वास नहीं करेगी और हमारे ऊपर ही इल्जाम रख देगी। जिसके बाद वो ना उसकी लाश को लेकर डिग्गी में ले आते हैं अपनी कार में, और यहां पर एकम की भी एंट्री हो गई है, एकम भी आ गया है, एकम भी कबीर के आया है, लेकिन एकम को कुछ भी नहीं समझ में आया है, एकम को कुछ मिला ही नहीं है एक्चुअली, लेकिन एकम को ना सब पता लग जाता है आसमा के बारे में कि अच्छा ये आसमा के पीछे पड़ा हुआ था, और जो किडनैपर था जो सारी चीजें था वो सब यही कर रहा था, और जिसके बाद देख रहे हैं जो अरमान और आसमा है वो कबीर की लाश को अपनी डिग्गी में ले आए और घर आ गए, और फिर हम देखते हैं कि जो अरमान का भाई है ना वो जोर से चिल्लाता है कि लाश लाश लाश, उसको पता लग जाता है कि गाड़ी में लाश, और सारे घर वाले बाहर आ गए हैं। जिसके बाद आसमा और अरमान को ना समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें, क्योंकि अब तो घर वालों को भी पता लग गया है कि उसमें लाश है और उसका खून हो गया है, तो अब हो सकता है कि एकम आए और एकम शायद अरमान और आसमा को पकड़ के ले जाए, उन लोगों को जेल हो जाए, या यहां पर भाई हो सकता है जॉर्डन की एंट्री हो, जॉर्डन करेगा उन दोनों को ब्लैकमेल, क्योंकि भाई हमने देखा था ना किस तरीके से आलिया की प्लानिंग है सारी, और यहां पर भाई जॉर्डन की एंट्री ही होने वाली थी, तो हो सकता है अब जो जॉर्डन है उसका यही कैरेक्टर हो कि वो इन दोनों को परेशान करे उसके लाश को लेकर, उसके मर्डर को लेकर, और उन दोनों पर इल्जाम भी लगाए भाई तुम दोनों ने ही मर्डर किया है, तो अब देखना होगा जॉर्डन किस तरीके से क्या करता है, इन लोगों की जिंदगी को कैसे बर्बाद करता है। वैसे आप में बताइए आपको उदारिया का सीरियल कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि जो आलिया की प्लानिंग चल रही है, पहले वो कबीर को लेकर आई, उसके बाद कबीर का मर्डर हो गया, अब वो जॉर्डन को लेकर आई है, तो क्या हो सकता है आपको लगता है कि भाई क्या वो अरमान को इस तरीके से पा लेगी, क्या आसमा को उससे दूर कर देगी?